हमारे देश में स्कूटर्स काफी ज्यादा पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि ये गियरलेस होती है और इनमें बाइक की तरह गियर डालने का कोई झंझट ही नहीं होता। बस एक्सीलेटर घुमाओ तो स्कूटी दौड़ने लगती है और ब्रेक प्रेस करो तो रुक जाती है, यानी क्लच दबाकर गियर लगाने और निकालने का कोई झंझट नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि कंपनी गियरलेस स्कूटर बनाती है तो बाइक्स क्यों नहीं? तो दोस्तों, बाइक्स में गियर्स लगे होते हैं और स्कूटी में चेन और पुली का मैकेनिज्म लगा होता है, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, यानी कि CVT ट्रांसमिशन। एक स्कूटर में इंजन और ट्रांसमिशन सीट के नीचे पीछे लगाए जाते हैं, जबकि बाइक में ये पेट्रोल टैंक के नीचे लगाए जाते हैं। और CVT ट्रांसमिशन थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इसे बाइक में लगाने पर स्पेस की दिक्कत आती है। एक और बात ये है कि बिना गियर वाले ट्रांसमिशन लगाने से मोटरसाइकिल का माइलेज कम हो जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से मार्केट में बिना गियर वाली बाइक्स नहीं आती है।